बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो चलिए इस सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। तो आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का बोटी। तो देखिए यहाँ पे चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन ले लिया है, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने जो पीसेस है उसको 1 से 1.5 इंच के टुकड़ों में इस तरह से कट कर लिया है। अभी आप पे डिपेंड है कि आपको पीसेस कैसे चाहिए। आप अगर चाहे तो सिर्फ थाई के पीस ले सकते हैं, या तो ज़्यादातर लोग जो रेस्टोरेंट में चिकन टिक्का बोटी बनती है तो उसमें लोग ब्रेस्ट के पीस यूज़ करते हैं। तो पाउडर मसालों में अब हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स ले लेंगे 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स और लाल मिर्च पाउडर जो है वो तीखा आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर ले लेंगे 1/2 टीस्पून। जीवा पाउडर चाहिए हमें यहाँ पे, तो जीवा पाउडर को हमने अच्छे से पीस लिया है। साथ ही अब हमें चाहिए जावित्री और जायफल का पाउडर, तो 1 टीस्पून जावित्री और जायफल का पाउडर अच्छे से कूट लेंगे। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा फूड कलर ले लिया है इसे अच्छा सा कलर देने के लिए, तो यहाँ पे ऑरेंज रेड या तो फिर आप येलो कलर यूज़ कर सकते हैं। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेंगे। लेमन जूस चाहिए 1 नींबू का रस ले लेंगे। अदरक और लहसुन की पेस्ट चाहिए हमें 1.5 टीस्पून। और दही चाहिए हमें 3 से 4 टेबल स्पून। और इसके अलावा हमें चाहिए कुकिंग ऑयल। तो ये देखिए अब हमने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो ये देखिए अब यहाँ पे इसे बनाने के लिए हमने चिकन ले लिया है, इसको बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सारे हमारे पाउडर मसाले, साथ ही ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन की पेस्ट, लेमन जूस ऐड कर देंगे, नींबू का रस, सॉल्ट ऐड कर देंगे, सॉल्ट टू टेस्ट। साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे और अब हम इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ पे फूड कलर ने इसे बहुत ही अच्छा सा कलर दे दिया है। अब हम इसे ढककर 4 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास समय कम है तो आप इसे 15 से 20 मिनट बाद भी बना सकते हैं, लेकिन ये जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा। तो अब इसे ढककर आज 4 घंटे के लिए रख देंगे और फिर हम इसकी चिकन टिक्का बोटी बना लेंगे। तो ये देखिए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं और चिकन बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इसे मैंने एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने सीख ले लिए है इस चीज़ में कि हमें चिकन को अच्छे से डाल देना है। उससे पहले हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये इस पर चिटके ना। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से हमें ऑयल लगा लेना है इस पर। अब इसको ऑयल लगाने के बाद में हमने चिकन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चिकन के पीस ले लेंगे और इसमें अच्छे से इस तरह से लगा लेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे बीच में ताकि ये जो पीस है वो अच्छे से भुने। तो ये देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था उसी तरह से सारे जो चिकन के पीसेस है वो अच्छे से सीख पे लगा लिए हैं। अब हम चलते हैं इसे बनाने की तरफ। और जैसे कि मैंने आपको बताया था आप अगर चाहे तो इसे पैन पे भी कर सकते हैं, अगर आपके पास अवन है तो आप उसमें भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बारबेक्यू में इसे बना भी हूँ, तो चलिए इसे बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे जो है चारकोल वाली सिगड़ी अच्छे से सलका ली है और ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस पर हमने जो सीख बना के रखे हैं वो एक एक करके इसमें डाल देंगे, एक एक करके अच्छे से इस पर रखते जाने हमें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस पर सब लगा दिए हैं। अब हमें इसे अलट पलट के दोनों साइड से अच्छे से भून लेना है और इसे हमें थोड़े 5-5 मिनट के बाद जैसे ये नीचे से सिकते जाएंगे इसे हमें इस तरह से टर्न करते जाना है ताकि ये सारी तरह से अच्छे से भून जाए। तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दोनों साइड से अच्छे से भून चुके हैं और अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही सिंपल रेसिपी बनकर तैयार है। इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।